2 बजे निकलने का सोचे थे, 4:23 हो गया। ये वही जगह पुणे का जो कल बहुत ही लाजवाब लग रहा था, उस तरफ सनसेट हुआ था, फ्रंट में मेरा उंगली भी नहीं दिख रहा होगा और हमारी कार नीचे में वो दिखेगी नहीं, उस तरफ है पार्क। सो वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट फॉर इंदौर। ये गमछी डाल के ना पूरा अब बिहारी स्टाइल हो गया, सर्दी की वजह से, सॉरी सर्दी खतरनाक हो गया है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ, ये मेरे फ्रेंड से भाई की कार नेक्सॉन और ये अपना काइगर, ये दो कार में 3 फैमिली जाएगी, इसमें तो सिर्फ हम लोग रहेंगे उसमें, और शिव भाई के साथ में अनुराग भाई जाएंगे। तो अगेन एज यूजुअल डिले होता जा रहा है, विल ट्राई टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑल द लगेजेज आर सेट। ये भी ब्रांड न्यू कार है, 5-6 महीने पुरानी है, ये भी 4 महीने पुरानी है, 4-5 महीने पुरानी है। हम लोग आ गए अनुराग भाई के अपार्टमेंट में और वेट चल रहा है उनका, एक बार वो आ जाए तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर इंदौर के लिए। वी हैव नाउ स्टार्टेड फ्रॉम पुणे, सेट द ट्रिप मीटर B20, लेट्स सी हाउ मेनी किलोमीटर्स डू वी हैव टू ड्राइव टू रीच इंदौर टुडे। चलो बोलो शंकर भगवान की जय। दिख जाओ भगवान, दिख जाओ। सूरज भगवान नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सनराइज हो रहा है। सुबह सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं, बाद में तो एसी ऑन करना ही है। गर्मी का समय है, भयंकर गर्मी का समय है। सनराइज ऑसम, सनराइज रियली गुड। कार चलाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, मजा आ जाता है, मतलब कोई थकावट नहीं, फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग अपना कार ड्राइव स्टार्ट करते हैं। नेचुरल हवा का मजा ही अलग है। ये खांडवा भगवान है, शंकर भगवान के अवतार। चलिए जारी रखते हैं अपनी यात्रा को ऐसे ही। ये मंदिर दिखा, अच्छा लगा देख के और फील फैक्टर तो है, बढ़िया लगा। कल से लेके आज तक 1000 किलोमीटर पूरा हो गया और 210 किलोमीटर का फ्यूल बचा है और आज 113 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। पुणे से जब आप नासिक वाला रूट फॉलो करेंगे तो ये जो 2 लेन वाला 2x2 जो हाईवे है, ये आपको लगभग 100 किलोमीटर चलाना पड़ेगा तभी जाकर आपको ऐसा रोड मिलेगा। उसके पहले आपको सिंगल लेन में जो कि फुल ऑफ स्पीड ब्रेकर है उस पर आपको चलाना पड़ेगा एकदम धीरे धीरे आराम से। बहुत सारे गांव आते हैं और बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ता है, ठीक है ना, वो कंट्री साइड रोड है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर तेज नहीं चला सकते और भर भर के स्पीड ब्रेकर है। तो राइट नाउ टाइम इज 8:17, विल स्टॉप बाई 8:30 एंड हैव सम फूड। 8:30 के आसपास रोक के कुछ खाना खाएंगे and then we will continue। खाना वाना हो गया यहाँ पे, अब इच्छा है कि थोड़ा मीठा पान खाएंगे, सर्दी से हालत खराब,
नासिक 90 मोर किलोमीटर्स टू गो। कृष्णा मीठा पॉन्ड, ओए हीरो, ओए देखो इधर, गर्मी गर्मी बोल रहा है भाई, गर्मी बोल रहा है। टाइम हो गया 9:30 और यहाँ से 90 किलोमीटर से नासिक। विल टर्न ऑन एसी नाउ, डोंट वरी, वी आर वेटिंग फॉर सिबाई टू स्टार्ट एंड देन विल कंटिन्यू टू नासिक। वेरी हॉट, मानसून के टाइम में जितने भी पहाड़ सूखे सूखे हैं, पीले हैं, येलो कलर का, ये सब ग्रीन हो जाते हैं। अंदर में एसी का आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और फुल स्पीड पे फैन चल रहा है। ब्यूटीफुल, 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 फुल ऑफ वैलीज। ए हीरो, रास्ता देखो कैसा है, सुनी थी, देखो कैसा लग रहा है रोड। ओह मैन, वाओ, कैसा है, किधर से देख के बोलो, अच्छा रोड है, तुमको दिख रहा है, नीचे बैठे हो तो कैसे देखेगा तुमको, वाओ मैन रियली इट्स ब्यूटीफुल। नहीं नहीं ये मतलब टेरेन ही अच्छा है, अभी सिर्फ ये तुमको रूखा सूखा सा दिख रहा है, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन एवरीथिंग विल बिकम सो ग्रीन। बहुत अच्छा भी दिखेगा, ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है किसी वैली में हम जा रहे हैं। घुमावदार रास्ते एंड वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेच। आईफोन मेरा इज्जत बचा लिया, मेरा गोप्रो छूट गया घर पे, मस्त वीडियो आ रहा है इसमें देखिए। इतना लेट चल रहे हैं, इतना लेट चल रहे हैं, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। अभी अब पहुंचने का टाइम जो है ना 8 बजे हो गया, शाम के 8 बजे नासिक के आसपास में है, या नासिक में है, पूरा जाम। खतरनाक गर्मी से परेशान, गर्मी तो बहुत है लेकिन गर्मी के साथ साथ है ना काफी लोग है ना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, और हमारा बेटा है भी है ना एंजॉय कर रहा है। हमको ना बच्चों का ही टेंशन ज्यादा हो रहा है, क्या किया जाए, बच्चे का देखो मुंह कैसा हो गया है, लग रहा है खाना पीना नहीं मिल रहा है इसको, लाल हो गया लाल। हम लोग यहीं पर खाना खाए अभी,
मेनली गर्मी से परेशान है। खाना आज भर का घर से ही हम लोग लाए हुए हैं, मेरी वाइफ दो भाभी इन लोगों ने बनाया है खाना, और आज भर चलेगा, लेकिन गर्मी बहुत भयंकर गर्मी, परेशान हो गया भाई। अमीन को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, अभी तक तो ऐसा नींद नहीं आ रहा है, लेकिन गर्मी इतना है ना कि गर्मी के कारण नींद नहीं आ रहा है या किसी और कारण से नींद नहीं आ रहा है, ये टेंशन से, टेंशन से पहली बार हाईवे पे निकले हैं, पहली बार हाईवे पे निकले भी हैं। ये कार अभी तक इस टूर से पहले सिर्फ 1100 किलोमीटर चली थी और इस टूर में ये 3000 किलोमीटर चल जाएगी। तो टेंशन तो होगा, आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, एक चीज दिखाएं, देख के तुमको एकदम मजा आ जाएगा। देखो तुम्हारे पीछे क्या है, देखिए कितने बढ़िया से ये फ्लावर की तरह है, इसी पेड़ से गिरा ये। हमारी गाड़ी शुभ होती है। कहीं अगर सबसे ज्यादा रात मिलता है तो कार के अंदर। वी आर डन विद लंच, टाइम इज 3:00, 3:10, एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग टू इंदौर। पहुंचने का टाइम अपडेट हो गया, ये बजेगा 11। चलो भैया चलते हैं। चलेंगे। ये जब भी किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, उस पर्टिकुलर डे का, डे वाइज एक ना एक टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही टफ होता है, और ये लास्ट वाला स्ट्रेच वैसा ही था। उसमें जो लास्ट का स्ट्रेच था ना, वो बहुत कठिन था, नींद बहुत जोर से आ रही थी, और पावर नैप लेकर मैं कार चला रहा था, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा जितना लंबा खींच सकता हूँ मैंने खींचा। अब यहाँ से 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है इंदौर, लेट पर लेट होते जा रहे हैं। टाइम हो गया 9। एनीवे हमने होटल बुक कर लिया है, अब उसी में रहेंगे, एक दिन का प्लान है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। हाँ, एक दिन का, एक रात का प्लान है, और कल जो मॉर्निंग का जो प्लान था 4 बजे सुबह निकलकर ओमकारेश्वर की तरफ जाने का, अब वो नहीं हो पाएगा, हम लोग को थोड़ा डिले स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग को थोड़ा सा स्केड्यूल एडजस्ट करना पड़ेगा महाकालेश्वर का भी। थोड़ा नॉइस हो रहा है, प्लीज इग्नोर। तो चलते देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है, आपको वो सारा अपडेट देते रहेंगे। फिर फाइनली कार का भी अपडेट देंगे, ओडोमीटर का जो भी रीडिंग रहेगा आज का, माइलेज और डिस्टेंस, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, 3 किलोमीटर बचा है, वी आर इन इंदौर, बट इट्स वेरी लेट, लगभग 11:30 बज गया है। और यहाँ पे जम के बारिश भी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो गया है। वो जो बैकग्राउंड में है ना, वही हम लोगों का स्टे है, उस तरफ बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया, मैं शेड में आ गया। मैं कल के व्लॉग को कंक्लूड करना चाह रहा था, बहुत ही थका हुआ था, 2 दिन मैंने बैक टू बैक मैंने ड्राइव किए थे, और शिव भाई के लिए पहला दिन था तो उनके पास एनफ एनर्जी थी, लेकिन मैं बिल्कुल थका हुआ था, जो कि मैंने रात के व्लॉग में मेंशन भी किया था। मैं कल के व्लॉग को कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ड्राइव थी, ऑलमोस्ट 624 किलोमीटर का ड्राइव किया हम लोगों ने इंदौर पहुँचने तक में पुणे से, और जो टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में वो लगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मॉर्निंग में हम लोगों ने 5:00 के ऑलमोस्ट में स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हम लोग रात में 11:30 बजे पहुँचे, विच इज़ बिट टू मच। तो वी हैव टू सी वेयर वी वेंट राइट और वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहाँ पे हमने सही किया, कहाँ पे हमने गलत किया, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को रिस्केड्यूल करना पड़ा, जहाँ पर हम लोग सुबह 2 बजे निकलने वाले, 4 बजे निकलने वाले थे, आज के दिन
ओमकारेश्वर टेम्पल जाने के लिए, वो अभी 10 ऑलरेडी यहाँ पर 9:30 बज चुका है, तो हम नहीं 9:30 बज चुका है, तो हम लोग 10 बजे निकलने वाले हैं। और जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग आज शाम में ओमकारेश्वर का दर्शन करके महाकालेश्वर चले जाएंगे और वहीं पर स्टे करेंगे, उस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आज अब प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे आगे के आज के व्लॉग में। लेकिन कल का व्लॉग मैं आप लोग को कंक्लूड कर देता हूँ। इट वॉज लिटिल बिट टायरिंग एंड टेस्टिंग फॉर मी, बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, थका हुआ था, और somehow I could manage to reach here safely, and whenever I felt tired, I took rest in between. और जब भी मुझे थकावट हुई, मैंने रेस्ट लिया, 10-15 मिनट का पावर नैप लिया, और that really helped me actually to cover the distance. So now I am in Indore. I will show you the room in the background. Room मैं आपको background में दिखा देता हूँ किस तरह का room है। हम लोगों ने दो room में पूरी family को adjust किया, and thanks to Dheeraj bhai, as much as I thank him, that will always remain less. और uncle जो उनके चाचा जी हैं, जितना भी मैं उन लोगों का thanks करूँ वो कम है। इंदौर से हैं धीरज भाई, और इंदौर is really a very beautiful town, and ये जो जगह है ना, ये है विजयनगर का area background, okay, तो ये है विजयनगर का area, और बहुत ही posh है, और बहुत ही मतलब लाइवली इन्वायरमेंट है। जब हम रात में यहाँ पर पहुँचे ना 10-11:30 बजे के आसपास, तो एवरीथिंग वी फेल्ट दैट इट्स एक्टिव, सब चीज़ हमको एक्टिव लगा यहाँ पर। होटल, लोग सब इनर्जी भरी हुई थी, बहुत सारे पार्टी करने के एरिया है यहाँ पर, मॉल है बैकग्राउंड में, पूरा जो मतलब स्ट्रीट है, स्ट्रेच है ये पूरा जगह, ये बहुत ही एक्टिव है, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और ये सब कुछ धीरज भाई का सजेशन था, तो धीरज भाई मेरे बहुत बहुत ही खास दोस्त हैं, एक बाइक राइड में वो मेरे साथ में भी थे, ठीक है, और वो इंडिया में है भी नहीं, लातविया गए हुए हैं अपने सिस्टर के पास, वहाँ से उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल कर करके मुझे हेल्प किया। मतलब मेरे फ्रेंड्स तो इम्प्रेस थे कि आज के समय में कौन इतना हेल्प करता है किसी को, बट दैट्स हाउ आई बिल्ड द रिलेशन, एंड आई होप कि मैं भी उनके एक्सपेक्टेशन पे कभी स्टैंड कर पाऊंगा, जब भी मुझे मदद मिलेगा कभी किसी को मदद करने का। आज के लिए मैं बोल देता हूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं स्नान करूँगा सीधा ओमकारेश्वर मंदिर पहुँच के, वहीं पे जो नदी बहती है उसी में मैं स्नान करूँगा। मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ी और स्पिरिचुअल फील आएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस मंदिर में जाने से पहले वहाँ नदी में स्नान करते हैं, तो वहीं मैं नदी में स्नान करूँगा, उसके बाद मैं ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करूँगा। 2 ज्योतिर्लिंग से बचे हुए हैं मेरे लिए, जिसके बाद मेरे सारे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें से एक ओमकारेश्वर आज हो जाएगा, महाकालेश्वर आज न कल तो होना ही है, कल ही हो जाएगा, आज भी थोड़ा मुझे अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बट कल तो डेफिनेटली होना ही होना है, तो मेरे सारे 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे, मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। कई सारे ज्योतिर्लिंग रिपीट भी मैंने कर लिए, ऐसा नहीं है कि आज मैं ओमकारेश्वर महाकालेश्वर विजिट कर रहा हूँ तो बाद में नहीं होगा, नहीं, मैं विजिट करता रहूँगा। एंड That's all from my second day trip. I hope कि आप लोगों को ये vlog अच्छा लगा होगा, थोड़ा मेरे लिए tiring था, और अगर मैंने थोड़ा सा ठीक से vlog नहीं बनाया तो please forgive me, and hope you guys will keep supporting me. आप लोग मुझे support करते रहिए, मिलते हैं अगले vlog में, यानी कि आज का vlog यहीं से start करेंगे, मिलते हैं इसी vlog में आपको तीसरे vlog में, और तब तक के लिए ये व्लॉग तो थोड़ा देर के बाद रिलीज होगा, उस उतने समय के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, और इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, एंड बाय बाय।